जनहितेशी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। मेरा नाम अमित दुआ है, मैं इस समय मैक लुधियाना और जलंधर की तरफ से आप लोगों को यहाँ पर मैंने इनवाइट किया है और मैं मैक का नेशनल हेड हूँ। हमारा पर्पज़ आज की इस मीटिंग को करने का है कि हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दें जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए वैल्यूएबल और फ़ायदेमंद हो, और जो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आए कि इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में आने के लिए उनको कितना आसान एंट्री है और कितने सक्सेसफुल कैरियर ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। सर, किड़ा वार्ड, किड़ा विद्यार्थी हम लोग तो अभी विद्यार्थी हम लोग जितना गया थे कि किड़े लेवल मैक का एक फेस्टिवल होता है जो कि 24 FPS इंटरनेशनल एनिमेशन अवार्ड्स बोला जाता है उसको, और वो पिछले 20 सालों से हम करते आ रहे हैं। इसमें हमारे जितने भी हमारे एकेडमीज़ हैं अक्रॉस दी कंट्री वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस हमारे पास बाहर दूसरे कंट्री से भी इसमें एंट्रीज आती हैं। मैक लुधियाना के स्टूडेंट्स ने उसको इस साल जीता है और कुछ 15 स्टूडेंट्स ने मिलकर के उस मूवी को तैयार किया था, और ये बहुत टफ कंपटीशन होता है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलता है। कितने समय से सर उस प्रोजेक्ट में तैयार करना है? उसमें लगभग 5 से 6 महीने लगते हैं एक प्रोजेक्ट को तैयार करने में, और वो प्रोजेक्ट बहुत डेप्थ में काम करना पड़ता है, स्टूडेंट को बहुत डे नाइट काम करना पड़ता है फैकल्टीज़ की गाइडेंस में और सीनियर मैनेजमेंट फैकल्टीज़ की गाइडेंस में उनको डायरेक्शन मिलती है। इंडस्ट्री का इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, वो भी अपने हिसाब से गाइड करते हैं और गाइड करके स्टूडेंट से वो काम निकलवाते हैं। सर, एक AI टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी किस तरह विद्यार्थियों किस तरह विद्यार्थी इसको फायदा लेते हैं? देखिए, AI आजकल हम लोग बहुत कॉमनली सुन रहे हैं, AI एक ऐसा टूल है जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा आगे चल के। इसको AI को यहाँ पे लाने का मकसद ये है कि आपका जो काम आज जो मेहनत करनी पड़ती काम को किसी आउटपुट को जनरेट करने के लिए वो मेहनत कम हो जाएगी, आधे से ज़्यादा काम आपको ऑटोमेटिकली किया हुआ मिलेगा, आपको उसके ऊपर सोचना है कि अब हम क्या करें। तो स्टूडेंट का जो एक बेसिक वर्क है, बेसिक आउटपुट जो निकालता है वो अपने आप AI के थ्रू निकल के आ जाएगा। AI आने वाले समय में एक बहुत हेल्प करता चला जाएगा, आपकी अपनी खुद की नॉलेज को बढ़ाता जाएगा और आपके जो बेहतरी है, आपका जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करेगा। तो ये हम पहली एकेडमी है जहाँ पर हमने AI के से रिलेटेड AI पावर्ड कोर्स को हमने स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है। देखिए, कमी ना स्टूडेंट्स की है, ना सॉफ्टवेयर की है, ना टेक्नोलॉजी की है, कमी पैसे की है। क्योंकि एक एनिमेशन मूवी बनाने में जो खर्चा आता है, इंडिया उस प्रोजेक्ट को अफोर्ड नहीं कर पाता। उसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है, जो मूवीज़ इंटरनेशनली बनती हैं, अमेरिका में मान लीजिए कोई मूवी बनती है, वहाँ पे वो पूरी दुनिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके पैसे कमा सकते हैं और आराम से उसको प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इंडिया में कोई मूवी बनेगी, पैसे तो उतने ही लगेंगे, लेकिन हम उसको सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस में यूज़ कर पाएंगे, बाहर के लोग हमारी मूवी को देखेंगे नहीं। अभी वो लिमिटेशन हमारे पास है, US का ठप्पा लगेगा तो देखेंगे, हमारी नहीं देखेंगे। बट समय जल्दी चेंज होगा और हमारे साथ भी वही होगा जो आप कहना चाह रहे हैं। आई थिंक इंडिया की मूवीज़ भी दुनिया भर में देखी जाएंगी। जो मैक के स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं, जैसे कि 4 साहिबजादे। मैं बता दूँ तो उसमें कैसी कंट्रीब्यूशन रहती है हमारे स्टूडेंट्स की, उसके बारे में थोड़ा बताओ। बेसिकली हमारी पूरी इंडस्ट्री में VFX और एनिमेटर्स की ज़रूरत है, 3D एनिमेटर्स की, जिसकी जैसे कि अभी सिद्धू मूसेवाला जाने के बाद उनकी पूरी एग्जिस्ट यहाँ पर है, जो उनकी एग्जिस्टेंस है उसकी, उनका 3D करेक्टर बनाकर उनकी मूवीज़ बनाई जा रही है, उनकी एल्बम्स बनाई जा रही है। हमारी पंजाब इंडस्ट्रीज़ में इवन सबसे ज़्यादा म्यूज़िक वीडियो एल्बम्स बनती हैं और 3D मूवीज़ बनती हैं, लाइक 4 साहिबजादे और गुरुदत्त बंदा। तो अपने गुरुओं को आगे रखकर उस तरह से बच्चों को यू नो प्रोत्साहित किया जा रहा है कि किस तरह से गुरुओं ने हमारे लिए कुर्बानियाँ करी हैं, और उसको एनिमेशन के द्वारा दुनिया तक लाने के लिए, जनरेशन तक लाने के लिए बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, वो है 3D। तो उसके लिए हमारे यहाँ से हायरिंग की जाती है और हमारे मैक के स्टूडेंट्स पूरे पंजाब में आज हर जगह इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे सिद्धू मूसेवाला की एल्बम्स बनी एंड 3D मूवीज़ बनी, जैसे कि 4 साहिबजादे, गुरुदत्त बंदा में हमारी पूरी मैक के ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उसमें काफ़ी अच्छा काम किया 3D का, और आज वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी जगह पर प्लेस हैं, जैसे कि पोगो, निकलोडियन जैसे चैनल्स पर वो लोग काम कर रहे हैं। और भी इंडस्ट्री में डिमांड बहुत है, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, मेरे काफ़ी बच्चे हैं जो एवेंजर में काम कर रहे हैं, हमारे खुद के स्टूडियोज़ का पठान, जवान, ब्रह्मास्त्र जैसी मूवीज़ में नाम आया है, और रिसेंटली अभी आपने शैतान मूवी देखी, उस पर काफ़ी VFX था, उसमें काफ़ी नाम आया है। सो इस तरह के हर बड़ी मूवीज़ में आपको हमारे बच्चे, मैक के बच्चे काम करते हुए मिलेंगे। सर देखिए, 2 तरह से प्लेसमेंट्स हमारी होती है, एक तो होती है कि जो स्टूडेंट्स चाहता है प्लेसमेंट उसको प्लेसमेंट मिल जाती है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स प्लेसमेंट नहीं चाहते हैं, वो अपने खुद के
करियर को अलग तरीके से लेके, मान लीजिए उन्होंने फ्रीलैंसिंग काम करना शुरू कर लिया या अपना ही काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडिया में जो इवॉल्व हुआ है ना एक इंडस्ट्री, वो मैक के स्टूडेंट्स के ही अपने खुद के कंपनीज फॉर्म करने से हुआ है। तो आज के डेट में इंडिया में लगभग इस फील्ड में कुछ 4 से 5 हज़ार कंपनीज हैं छोटे बड़े साइज़ की जो काम कर रही हैं, और उसमें बहुत सारी कंपनीज मैक के स्टूडेंट्स की बनाई हुई हैं। आज उनके यहाँ सैकड़ों स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। तो ये इवॉल्व होता चला जा रहा है, और मैक का कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरफ से उसके अंदर है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जैसे इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लाइफ ट्रेनिंग की। जब बच्चा स्कूल से और कॉलेज से पढ़ के निकलता है, काफ़ी एजुकेशन ऑलरेडी निकलता है, लेकिन 12वीं के बाद उन्हें ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्री के साथ लग के काम करने की। जैसे कि अगर हम लाइव ट्रेनिंग करते हैं एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर के अंदर काम करता है तभी उसे काम सीखने को मिलता है, तभी वो डायरेक्टर की पोस्ट पे पहुंचता है। ऐसे ही हमारे मैक के बच्चों को इंडस्ट्री सेशंस मिलते हैं जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिन्होंने मस्ताने मूवी में 3D के वेपन्स बनाए वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो प्लेसमेंट्स का इसलिए श्योरिटी बढ़ जाता है क्योंकि जब इंडस्ट्री गाइडेंस पूरी है, इंडस्ट्री के अंडर बच्चे काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में ही पहुंचेंगे और इंडस्ट्री हमारी पूरी आपस में लिंक्ड है। एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आप शायद पूछना चाह रहे थे, हमारा स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट सिर्फ फिल्मों से रिलेटेड इंडस्ट्री में नहीं होता है। जैसे एक कंपनी है, आप सब हमसे यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन। अमेज़ॉन में भी जो इमेजेस या फोटोग्राफ्स होती हैं उनको क्रिएट किया जाता है यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। उसमें हमारे सैकड़ों स्टूडेंट्स वहाँ पर प्लेस हुए हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पोजिशन पर काम कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी यू नो अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि हायर करती हैं स्टूडेंट्स को एज ए डिज़ाइनर के तौर पर। तो जहाँ भी डिजाइन की जरूरत पड़ती है वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स, मतलब कह सकते हैं कि आने वाले समय के विच बच्चे जिन्हें ने अपना भविष्य इस लाइन दे विच भी खोज सकते हैं। अभी भी जा रहे हैं सर, अभी भी जा रहे हैं, और बच्चे बहुत सक्सेसफुल हैं। देखिए जहाँ पर भी एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइन और विजुअल इफेक्ट्स की रिक्वायरमेंट या ज़रूरत होगी वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स का नाम ज़रूर आएगा। इस समय इंडिया गेमिंग सेक्टर में बहुत आगे है। अगर गेमिंग की आप ग्रोथ देखेंगे पिछले 5 साल में, जो मेरे ख्याल से चाइना में कभी जो ग्रोथ हुआ करती थी या US में हुआ करती थी, उस सबको सरपास करके इंडिया में गेमिंग एज अ सेक्टर बहुत तेज़ी से इवॉल्व हुआ है। ये बहुत अच्छा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे गवर्नमेंट को। कंपनीज़ बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं इंडिया में जो खुद ही गेम्स को बना रही हैं और पूरे वर्ल्ड ओवर गेम्स को सप्लाई कर रही हैं और यूज़ किया जा रहा है। तो जब इतने ज़्यादा गेम बनेंगे, इतने बड़े क्वांटिटी में बनेंगे, तो नेचुरल सी बात है लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और हम अपने तरफ से स्टूडेंट्स को गेम के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारे गेमिंग के लिए डिफाइंड प्रोग्राम्स हैं जो 6 महीने से लेकर के 2 साल के प्रोग्राम्स हैं, जो बच्चे डेडिकेटेड गेम डिज़ाइनिंग उसमें सीखते हैं और सीख करके अपने करियर को। देखिए इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो 8th, 9th, 10th के बच्चे भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो 18 ईयर्स के बाद, और हम प्रेफर करेंगे स्टूडेंट जो 12th करके आता है इमीडिएटली उसके बाद उसको एक कोर्स शुरू करना चाहिए। जैसे आजकल की बड़ी गेमिंग कंपनीज है, लक्ष्य डिजिटल, रॉकस्टार गेम स्टूडियोज हैं, उसमें हमारे मैक लुधियाना के बच्चे काम कर रहे हैं, हिमांशु दुआ, शिवम, मोंटी, अभी रिसेंटली हमारी प्लेसमेंट्स हुई हैं महीम सूद जियो शॉट में। इस तरह की कंपनीज में हमारे मैक लुधियाना से बच्चे पढ़ के निकले हैं और बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। जो गेम आपको दिन भर बच्चों के हाथों में मिलती है वो हमारे मैक के स्टूडेंट्स ही कहीं ना कहीं बना रहे हैं। तो मुझे तो अपने सारे बच्चों का नाम लेते हुए बहुत प्राउड फील होता है, लेकिन जो बहुत अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं इसे हम A+ ग्रेड्स कंपनी बोलते हैं, जिसमें मैक के अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई भी कंपनी कभी प्लेस करवा पाएगी। मेरा नाम बलजिंदर सिंह है, तो मैं चंदनवीर सिंह का फादर हाँ। कहना है कि जदों बच्चे स्कूल चो निकलते हैं उदों पहली पेरेंट्स की जी टेंशन होती है कि बच्चे कि फील्ड भेजिए, उत्थे काफ़ी सारी पसो पेश होंगे ने, क्योंकि पुराना एक चलता रहा भी इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, पर हुण समा बदल रहा तो चीज़ा भी बदल रही ने। तो बेटे ने खुद सानू जो दसा कि पापा एक आ फील्ड है और ये आने वाले टाइम च बहुत ग्रो करने वाला है, खास करके इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन वैसे बहुत ज़्यादा, तो इतनी कोई चीज़ बड़ी तेजी ना ग्रो करती है। जो भी गल जब इन्हें दसाया मैं चलो फिर आप देखते हैं, फिर असी सर्च आउट करना शुरू किया। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट ने जोड़े इस फील्ड काम करते हैं, पर अल्टीमेटली जो सुकून सानू इतने आके मिलया सानू लगा भी नहीं ये बेस्ट है, क्योंकि फैकल्टी भी बहुत अच्छी सी और जिस हिसाब नाल सानू मैडम ने समझाया सानू उदों लगा भी हाँ एक्चुअल च सानू किसी ने भी इदां नहीं सी समझाया। आई एम वेरी 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 मच सैटिस्फाइड। बाकी पेरेंट्स नूं की कहना चाहोगे? मैं एको गल कहना चाहवागा भी अज उ बच्चे कामयाब ने जिन्हां दे हाथ च गुण है, इस करके एक इंडस्ट्री है जिहड़ी 100% तुहाडे बच्चे नूं ग्रोथ दिंदी है, उन्हां दे हाथ च गुण होएगा तो कितें भुखे नहीं मरनगे। ये चैलेंज है।